फिटजी जो कि धर्मपेड़ में लोकेटेड है और काफ़ी जाना माना एक इंस्टीट्यूट माना जाता है JEE के लिए, काफ़ी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं क्योंकि इसका नाम ही इतना ऊंचा है। और इसी के अगेंस्ट आज जो फिटजी के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स ने धर्मपेड़ में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद वो लोग अम्बाजरी पुलिस स्टेशन आए जहाँ पर उन्होंने कंप्लेन फाइल की फिटजी के अगेंस्ट में। यहाँ पर हम लोग अम्बाजरी पुलिस स्टेशन पर ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब पेरेंट्स आ चुके हैं कंप्लेन फाइल करने के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो फिटजी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था ये था किस कारण से और क्या मसला है, क्या हो रहा है उनके बच्चों के साथ। ये प्रोटेस्ट का मेन वजह सिर्फ ये है कि पेरेंट्स और बच्चे जो पढ़ रहे फिटजी में वो परेशान हैं क्योंकि फिटजी में रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है पिछले 1.5 महीने से। सिर्फ ये लोग बच्चों को वैकेशन दे रहे, क्यों? क्योंकि इनके पास फैकल्टी छोड़ छोड़ के जा चुकी है, टीचर ही नहीं है जो सिलेबस कवर करवाए। 1-2-4 दिन का समझ में आता है लेकिन 12वीं का साल है और वो 1.5-1.5 महीने का वैकेशन, तो ये किसी को भी नहीं समझ। मैं खुद गया था पता करने के लिए तो पता चला 90% से ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है। तो ये कब कैसे कौन करेगा सिलेबस कवर करने के लिए, टीचर चाहिए जो उनके पास है ही नहीं। हम एज ए पेरेंट, हमारा क्या गलती है? हमने पैसा दे के गलती कर दिया क्या? हम और एक एक पेरेंट ने, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 4 लाख दिया, किसी ने 4.5, ऐसे सब ने दे दिया है और सिलेबस 90% से ज़्यादा का बचा हुआ है। अभी आने वाले दिनों में अक्टूबर में इनको ज़रूरी है कि ये पहले तो सिलेबस कवर करें, जो 11 दिनों ने पढ़ा दिया था उसको रिवाइज करें, बोर्ड का रिवीजन करें, फिर उसके बाद में JEE की टेस्ट सीरीज जो होती है वो कंडक्ट करें और फिर बच्चा जो है दिसंबर जनवरी फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम थेरी प्रैक्टिकल बोर्ड और फिर JEE का पहला टर्न वो अटेंड करेगा। हमें फिटजी से ये चाहिए कि चाहे उनका दिल्ली सेंटर हो चाहे कहीं का और सेंटर हो, उनके जो बेस्ट टीचर्स है या इनके जो छोड़ के जा चुके हैं वो बेस्ट टीचर या छोड़ के जा चुके अच्छे टीचर्स को वापस लाए और रिगरसली और इमीडिएटली वो पावर से पढ़ाई सही ट्रैक पे लेके आए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ के जो फिटजी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन का जो भविष्य है वो खतरनाक अंधेरे में दिख रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि अभी सिर्फ फिटजी ही इसमें हमारी हेल्प कर सकता है कि वो बच्चों का सिलेबस कवर करवा के दे, पुराने फैकल्टी जो छोड़ के गए आए और बच्चों को वहाँ से शुरू करें जहाँ से छोड़ा था। और इनके लिए बहुत टाइम जा चुका है, बच्चों को रिगरसली हम भेजने को तैयार है हमारे बच्चा 8-8 घंटे के लिए, लेकिन पढ़ाने वाला तो है कोई। आज क्या हो रहा है, 2-3 घंटे की क्लास में आधा घंटा कोई एक आधा टीचर आके पढ़ा देता है, 2.5 घंटा बच्चा लाइब्रेरी में बैठा रह रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उनको बैठे रह रहा है। बच्चा फ़ोन करता है या घर में आके परेशान हो रहा है, पापा क्या करूँ, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमको ये डर लग रहा है कि इतना 17-18 साल का हमारा बच्चा कोई स्ट्रेस में ना आ जाए, मानसिक दबाव में ना आ जाए, कुछ गलत कदम ना उठा ले। क्या ये फिटजी इस बात की जिम्मेदारी लेता है क्या? ये ज़रूरी है शासन के लिए, ये ज़रूरी है शिक्षा महामंडल के लिए और ये ज़रूरी है वो हर वो प्राइवेट जो इस तरह की कोचिंग करवाते हैं कि वो सीरियसली पेरेंट और उनके बच्चों का भविष्य के लिए, जीवन के लिए उन्होंने पेड किया हुआ है, उनको सर्विसेज दे दे। नहीं तो यहाँ पे क्या बच्चे अगर सुसाइड वाले मोड में, ये इसको क्या नागपुर को अनादर कोटा बनाना चाहते हैं क्या? और एक सेंटर जिसमें एक सेंटर फिटजी का ये ऐसा कर रहा है। हमको ये भी पता चला है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, यानी कि नए बच्चों के लिए कैंपेन चला के नए एडमिशन लेते हैं। एक बार बच्चा आ गया, एडमिशन हो गया, पैसा आ गया तो सर्विसेज यानी कि कोचिंग की सर्विसेज जो कि धंधा बना के रखा है इन्होंने उसको छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों से तो पैसा भी आ चुका और हो गया। फिर बस हम आपके जरिए मीडिया से और आपके जरिए शासन और शिक्षण महामंडल से रिक्वेस्ट करते कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए और इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करके हमारे लिए कुछ समाधान निकाले, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। बस हमारी इतनी ही डिमांड है कि उनका सिलेबस जल्द से जल्द कवर करवाए और टाइम से करवाए। हम अपने बच्चे को 4 की जगह 8 घंटा भेजने को तैयार है। इसलिए किया है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम जो भी पेरेंट्स यहाँ खड़े हुए हैं, फिटजी एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमने अपने बच्चों की एडमिशन करवाई थी 11th और 12th के लिए। तो अभी जो 12th की क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो उसमें उनके पास फैकल्टी नहीं है, प्रोफेसर्स ही नहीं है, सब छोड़ते चले जा रहे हैं, तो बच्चों की क्लासेस ही नहीं हो रही है। और ये सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं बच्चों की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि जनवरी में होती है, तो अगर वो बच्चे
फैकल्टी नहीं रहेगी, पढ़ेंगे नहीं, उनके सब क्लियर ही नहीं होगा तो बच्चे एग्जाम्स कैसे देंगे। ये क्लासेस जो अनइवन हो रही है वो 2 to 3 months हो चुके हैं। हम लोग ने सारे पेरेंट्स ने कॉन्टेक्ट करना चालू किया कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो रोज़ न्यू मतलब नए नए एग्जाम्पल्स देते थे, नए कारण देते थे, नए बहाने बताते थे कि ये फैकल्टी हो जाएगी, कुछ नहीं है, कोई छुट्टी पे है या कोई ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। बट एक्चुअली क्या था, इनको सैलरी नहीं हुई है, जो भी स्टाफ है जो भी फैकल्टी है, ऐसे हम लोग ने पता किया। इसकी वजह से सारे फैकल्टीज छोड़ के चले जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप पीआई सर के पास आए थे अंबाजरी पुलिस स्टेशन में, तो इनसे क्या गुजारिश है आपकी और क्या चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए अब आगे? हम लोग जो आए हैं, जो सुबह से फिटजी में खड़े थे, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे पुलिस भी आ गई, और प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस को पता चला, 100 नंबर पे फ़ोन गई, तो पीआई साहब जो अंबाजरी पुलिस स्टेशन के हैं, गोले साहब वो आए थे, तो हमसे फिटजी में जो नागपुर बिजनेस हेड है फिटजी के, मिस्टर प्रणय शर्मा, उन्होंने हमसे बोला कि 72 आवर्स का हमें टाइम दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। तो हमने गोले सर जो अंबाजरी पुलिस स्टेशन से थे वहाँ पे हमारे साथ, हमने उनको बस यही बोला है कि जो ये 72 घंटे का हमसे समय ले रहे हैं, हमको सब ठीक कर देना चाहिए, हमको हमारी फ़ीस की टेंशन नहीं है कि हमने फ़ीस भरी है या हमें फ़ीस वापस चाहिए, हमें चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर नहीं ख़राब हो जाए। ये एग्ज़ाम अगर बच्चे नहीं दे पढ़ेंगे नहीं होगी बराबर 6 महीने पढ़ाई, तो बच्चे एग्ज़ाम्स जो है नहीं दे पाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो फर्स्ट यही रहेगी कि पुरानी फैकल्टी वापस आए, क्योंकि पुरानी फैकल्टी से ही बच्चे अभी कंफर्टेबल हुए और उनको समझना चालू किए, और उन्होंने हमें वही आश्वासन दिया है प्रणय शर्मा ने कि हम पुरानी फैकल्टी को लाएंगे वापस, नहीं तो फिर हम तो लीगल एक्शन लेंगे, सारे पेरेंट्स एक साथ हुए हैं, कुछ ना कुछ लीगल एक्शन फिटजी के ऊपर ही जाएगा, जो फिटजी के नागपुर इंडिया हेड है मिस्टर गोयल, उनके ऊपर ही हम लोग कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेंगे। हम लोग अभी सीपी सर के पास भी जाने की तैयारी में हैं पेरेंट्स लोग, तो कोशिश होगी आज ही चले जाएंगे या फिर कल। फिटजी के कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये जो चलता आ रहा है, कितने टाइम से इनकी क्लासेस नहीं हो रही है। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, फिटजी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्लासेस नहीं होने पर, ये कब से क्लासेस नहीं हो रही? क्लासेस हो रही है पर एक हो रही है, मतलब एक दिन में एक हो रही है, एक नहीं हो रही है, एक दो हो रही है, एक नहीं हो रही है। और क्या है, फैकल्टी भी छोड़ के जा रही है, क्योंकि जो हेड है वो मतलब फिटजी जो इंस्टीट्यूट है उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, और शायद प्रोवाइडेड सैलरी भी जो है वो वापस ले जा रही है। आप कौन सी क्लास में हैं? 12th। हाँ, अभी बहुत कम टाइम बचा है आपकी JEE के एग्ज़ाम्स के लिए, तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये प्रोटेस्ट के बाद क्या लगता है आपको, क्या मिलना चाहिए, मतलब आप अभी फिटजी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी पुरानी फैकल्टी अगर वापस आई तो बेटर ही है, नहीं तो फिर नई फैकल्टी भी है पर रेगुलर क्लासेस होने चाहिए। और मंडे को ये ऑफ देते हैं, पहले इन्होंने समर के नाम पे 10 डेज़ की हॉलीडे दी थी, और पहले हमारा पोर्शन जो है वो पीछे चल रहा है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, शायद दिसंबर तक ख़त्म होगा या नवंबर, वो कुछ हमें आइडिया नहीं है। देखिए मैम, मेरी भी हाँ जी, मैं 9-10 से हूँ फिटजी में, फाउंडेशन बैच में था, 11th मेरा अभी चालू हुआ है। और मैम, ये डिस्प्यूट जब से चालू हुआ है हमारे भी क्लासेस इररेगुलर हो गई हैं, स्टेबिलिटी नहीं है क्लासेस में। हमारे केमिस्ट्री के सर थे वो 1 हफ्ते से नहीं आए, आज हमारे और क्लासेस नहीं हुई, तो मैम वही चल रहा है। इसके कारण आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो? मैम, हमारा कोर्स पीछे जा रहा है और भी बहुत प्रॉब्लम्स है, नए टीचर्स के साथ हम वो नहीं रख पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हम, अपने जो पुराने टीचर्स थे ना मैम उनके साथ हमारा पहले से क्या बोले बॉन्डिंग चल रही थी, अब नए सर आए हैं नहीं हो पा रहा हमसे। और अगर अभी वहाँ के जो प्रणय शर्मा जो पूरा हेड संभालते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम लोग नई फैकल्टीज आएंगे, तो उस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन रहे? मैडम, नई फैकल्टी सिर्फ हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मेरा जहाँ तक मैं बताऊँ, हर कोई मेरे जैसा हर कोई होगा जो शायद से नहीं एडजस्ट कर पाएगा नई फैकल्टी के साथ। नई फैकल्टी कब तक लाएंगे? अभी दो हफ्ते पहले हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी चेंज हुई है, फिजिक्स सर भी हमारे अभी नए आए हैं। 2 हफ्ते पहले चेंज हुई और 2 हफ्ते में वो लोग निकल भी गए। हाँ, क्योंकि सैलरी इशू है। हाँ, ये डिस्प्यूट मतलब सैलरी नहीं मिल रही टीचर्स को, ये न्यूज़ दिसंबर में आई थी मैम, और तब से सैलरी शायद से अटकी हुई है टीचर्स की, और मैम टीचर्स का फिर छोड़ के जाना बनता भी है। ये भी कह रहे हैं कि टीचर्स भी यहाँ पे आके कंप्लेन फाइल करके गए थे, बट अब तक पीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया था उस पर, तो अब आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या लग रहा है, पीआई का क्या रिएक्शन होगा? मैम, उनको एक्शन लेना चाहिए कोई, उन्हें उन्हें हेड पे दबाव डालना चाहिए, पेरेंट्स की डिमांड सुननी चाहिए,
अब हमारा करियर का सवाल है मैम, तो रिस्क पे नहीं डाल सकते।